बराबर है q प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी पे। इस सरसरिका की सहायता से हमको इस प्रश्न को हल करना है। ये क्या करना है हमको, 201 का क्यूब निकालना है, 201 को क्यूब निकालना है। इसके लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 201 को a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, और ऐसा दो भागों में तोड़ेंगे कि जिससे वो आसानी से गुणा हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 201 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे जब, तो क्या करेंगे, 200 प्लस 1 का होल क्यूब, यही चीज है ना, 200 प्लस 1 201 हुआ। अब a यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, 200 a मान लेंगे, 1 को हम b मान लेंगे। अब a क्यूब यानी कि 200 का क्यूब ब्रैकेट में करने ऐसे, फिर b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर 3ab यानी कि 3 × a क्या है बताओ, 200 वेरी गुड, और हाँ बी क्या है, अब ब्रैकेट में 200 प्लस 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना। अब 200 का क्यूब करना है, लेकिन हमको ये पता है, अब 200 को हम तीन बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब, हमको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, क्या होता है, 8 लिख दिया, और चूंकि 2 जीरो है तो इसका जब हम 3 गुना करेंगे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो। 1 का क्यूब करेंगे हमें पता है 8 ही होता है, अब इसको गुणा कर लो, 3 × 3 = 6 कितना हो जाएगा, 600, ठीक, ब्रैकेट में 200 प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, कितने जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस, अब क्या करेंगे, 600 का गुणा हम किससे करेंगे, पहले 200 का, तो गुणा करो, 6 × 12 और कितने जीरो लगेंगे, 4, 2 जीरो इसके तो हो गए 4 जीरो, फिर 600 का गुणा 1 से होगा तो कितना होगा, 601 का 600 इकाई अंक के नीचे इकाई अंक, और जैसे ये है हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, इसी रहेगा, कितने जीरो, 4 1 2 3 4 और फिर 12, फिर 600, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे चलो जोड़ो, क्या हो गया, 1 0 0 6 0 2 3 और 8, यस मैम, यही उत्तर आया है, यस मैम, चलो अच्छी बात है, अगर इतना आया है तो वेरी गुड, ये हमारा उत्तर आ गया किसका, 201 का क्यूब का उत्तर हमारा इतना आ गया। तो हमें लगता है कि तुम लोग को अब ये क्यूब वाले सवाल सब समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही अगर सवाल दिया गया है 101 का क्यूब तो कर लोगे, यस मैम, दो भागों में तोड़ोगे 100 प्लस 1, अगर आ गया 103 तो क्या करोगे, 300 प्लस 1, 100 प्लस 3, अगर 103 है yes. तो क्या करोगे, 100 प्लस 3 का होल क्यूब, अगर आ गया मान लो आ गया 105 yes. का होल क्यूब क्या करोगे, 100 प्लस 5 का होल क्यूब कर दोगे yes. और अपने सवाल सामने आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है yes.